आज की हमारी कहानी है एक रानी जिसे देखने के लिए कितने लोगों ने जान गवाई। एक राज की राजकुमारी सुकन्या की सुंदरता के चर्चे कई राज दूर गांव में थे। सुकन्या की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस रानी को किसी ने देखा ही नहीं था। रानी के पिता नहीं रहे, ना ही उनकी माता जी हैं। पिता की मृत्यु के बाद वो ही अपने राज को संभाल रही थी। वो राज रोज एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव के कई लोग आते थे। कई राजकुमार और राजा भी सुकन्या को देखने आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार ना सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राजा में युद्ध भी हो गया। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तब उसकी आवाज पर ही ना जाने कितने श्रोता मोहित हो जाते। रानी बहुत चतुर थी। अपने राज पर आक्रमण ना हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा न ले जाए, इसलिए रानी ने पहली सभा में यह घोषणा करवा दी थी कि वो अपने शयान कक्ष में ही बिना पर्दे में रहती हैं। उसके शयान कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उससे विवाह कर लेगी। अगर ऐसा ना कर सके तो वो सेना लेकर हमें जीतने आया तो समझा जाएगा कि वो कायर है। रानी के चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता था। रानी का शयान कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक नहीं पहुंच नहीं पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते, लेकिन अगले दिन उनकी देह में प्राण नहीं बचते थे। कोई भी रानी के शयान कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था। और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक पता भी नहीं चला था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नजर से कोई भी नहीं बच पाया था। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए ना जाने कितनों ने अपने प्राण गवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख नहीं पाया। उसी राज में एक युवक था जिसका नाम था भरत। युवक बड़ा ही साधारण था, लेकिन बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक स्त्री के लिए लोगों का मरना बड़ा दुखी करता था। वो कई को समझाता भी था कि दिन रात एक अनदेखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया हो। एक सुबह उसके गांव का एक नवयुवक रानी को देखने की चेष्टा में अपने प्राण गवा बैठा। वो युवक सरस का मित्र भी था। उस दिन वो रोया भी और मन में बस एक ही विचार कर रहा था कि इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी के सभा के बाद पहरेदार प्रमुख से मिला और कहा कि वो भी रानी की सेवा में सेना में शामिल होना चाहता है। उस प्रमुख ने उससे कहा कि यह तुम्हें बस काम नहीं है, तुम्हें देखने जाने गया, मैं तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। भरत बोला कि वो किसी भी काम के लिए रख लीजिए। भरत बोला कि वो अच्छा भोजन बना सकता है और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है, वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने वाले समूह में आ गया। करीब 6 माह तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह लिए युवक भी आते रहे और अपने प्राण गवाते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे उसने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर वितरित की। कई ने मना किया कि उन्हें सचेत रहना, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि रात चांदनी और कोई मूर्खी आ जाएगा। सभी पहरेदार जो उसने खीर खिला दी। खीर खाने के कुछ समय बाद सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। भरत ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। भरत अब रानी का कक्ष ढूंढने लगा। 6 माह से वो यहाँ है, लेकिन इतना सख्त पहरा और पाबंदी है कि उसे भी पता नहीं था कि रानी का किस कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद भरत को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर कभी भी समाप्त हो सकता था। फिर उसे एक चौक से नीचे
तलघर में जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे उस रास्ते पर गया, वहां कच के बाहर ही दो पहरेदार और थे जिसका उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा। फिर उसने दीवार पर अपना सर दे मारा और उन पहरेदारों की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। उसके सर से खून निकलता देख पहरेदार को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़ ऊपर जाकर लड़ना होगा, इसलिए दोनों अपना द्वार छोड़ लड़ने के लिए ऊपर भागे। उनके जाते ही भरत खड़ा हुआ। द्वार सामने था और रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए तो उसकी धड़कने भी तेज हो गए। जिसे किसी ने नहीं देखा है उसे वाज देखने जा रहा है। उसने द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वो द्वार नहीं खोला। द्वार पर नीचे एक बड़ा ताला उसे दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय में पहरेदार होश में आ गए जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतने पहरेदार लगे उनके द्वार पर कोई ताला नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कच के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा लिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया कि एक आलिशान कच सुगंधित पुष्प भांति वो कच सुगंध दे रहा था। लेकिन कच में प्रकाश कम था। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबरा कर उठकर बैठ गई। रानी के कच्छ में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते शब्द में पूछा, कौन है? भरत बोला, अभी तक तो साधारण हूँ, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण न रहूं। रानी घबरा कर खड़ी हो गई। भरत बोला कि अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कच्छ तक आ गया। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली। अब तो प्रकाश में आ जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में आई। युवक भरत ने देखा और चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी की जिस तरह की कल्पना की जा रही थी, रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग साफ नहीं था और ना ही चेहरे पर आभा थी। युवक उसे देखकर हंसा और कहा कि अच्छा, इसलिए आप अपना चेहरा छिपाए बैठी थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह देखने योग्य नहीं है। रानी अब सर नीचे कर चुपचाप युवक की बात सुन रही थी। फिर रानी कहती है, स्त्री सुंदर ना हो तो कौन विवाह करता है? क्या तुम अब मुझसे देखने के बाद मुझसे विवाह करोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी अगर सुंदर ना हो तो कैसे और कब तक अपने राज को बचा पाती? यह मेरी चतुराई है कि मैं अभी तक रानी हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। सरस बोला, तुम्हारी चतुराई में ना जाने कितने प्राण लिए तुम्हें पता है? रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदरता स्त्री चाहने लिए। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं सुंदर नहीं हो तो क्या अपने प्राण की बाजी लगाकर यहाँ तक आते? तुम मुझसे विवाह करो, अपनी पत्नी की सुंदरता का भ्रम इसी तरह लोगों में बनाए रखो, तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि जिसे कोई नहीं पा सका उसे तुमने पा लिया। सरस कुछ सोचने लगा। उसे सोचता देख रानी ने कहा कि तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। भरत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा। रानी उसकी बात सुनकर खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। भरत ने एक कपड़ा निकाला और रानी के मुँह पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। भरत रानी को उठाकर महल के गुप्त द्वार से होता हुआ पास ही की अपने घर ले गया और वहां ले जाकर उसे बांध दिया। भरत जल्दी से फिर अपने घर से राजमहल में आ गया। कुछ पहरेदारों को होश आया था, वो भी उसे बचाता हुआ लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया। उसने ऐसा दिखाया कि यह एक बहुत बड़ी योजना थी, खीर में किसी ने कुछ मिला दिया था जिससे हम सभी बेसुध होकर गिर पड़े। राजमहल के मंत्रीगण रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी वहां नहीं थी, रानी को कोई ले गया था। उन्होंने सुबह राज में घोषणा करवा दी थी कि रानी को जो भी ले गया है हम उसे अपना राजा मानते हैं, रानी को वापस महल में ले आए।
भरत अब राजमहल से अब अपने घर वापस गया तो उसने रानी को खोला और उसे भोजन दिया। रानी ने कहा कि तुम अब जीवित नहीं रहोगे, तुमने मुझे यहाँ बंधक बनाया है। भरत ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे यही रहना होगा मेरे लिए, मेरे साथ तुम्हारा यही पश्चापित है। रानी बोली कि वो अभी यहाँ से जा रही है। भरत ने बोला जाओ लेकिन जल्दी वापस आना। रानी वहाँ से भागते हुए अपने महल की ओर गई। महल पर पहुँचे तो द्वार पर ही सिपाहियों ने उसे रोक दिया। रानी बोले मैं रानी हूँ इस महल की, तुम्हारी महारानी। सिपाही ने उसे देख हंसने लगे, बोले जा यहाँ से अपनी शक्ल देख। उन्होंने द्वार पर से उसे हटा दिया। रानी को समझ आ गया कि भरत ने चतुराई से उसके साथ यह खेल खेला है। रानी को किसी ने नहीं देखा इसलिए अब वो कुछ भी करे उसे कोई पहचानेगा नहीं। वो वापस भरत के पास लौट आई। भरत ने उसे कहा आ गई, चलो अब कुछ खा लो। रानी वहीं रहने लगी चुप और दिनचर्या काम करने लगी। महल में अब तक किसी भी को भी पता नहीं लगा कहाँ गई रानी। मंत्री अपने हाथ में राजमहल ले लिया। अगर आप